गया। हाय कर, हाय कर, छूना छूना एक रात। हाय कर। वेलकम बैक टू चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको अपडेट देने आए हैं मीठापुर गुमटी के ऊपर जो फ्लाई ओवर बना है वो बन के रेडी हो चुका है, आप लोग के लिए खोल दिया गया है। ये रास्ता सीधा कंकड़बाग से आ रहा है कड़बिगैया होते हुए और इधर जाएगा आपका सीधा मीठापुर गुमटी के ऊपर रेलवे लाइन के ऊपर से होते हुए आप चल जाएगा गौरिया मठ और गर्दनीबाग और एयरपोर्ट। तो इसी का अपडेट लेने आए हैं उद्घाटन होने के बाद कि कैसा क्या लुक है। थोड़ा नाइट में आए हैं क्योंकि नाइट व्यू थोड़ा अच्छा आता है। अब 4-5 बजे उद्घाटन हुआ है तो उस समय नहीं आए, थोड़ा नाइट में आए कि नाइट में थोड़ा तगड़ा भी हुआ है। तो अभी आगे चल के देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मतलब कितना अच्छा लुक है, कैसे क्या है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इधर से आइएगा कड़बैया साइड से होते हुए मीठापुर बस स्टैंड से कंकड़बाग से और आपको GPO की तरफ नहीं जाना होगा। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप सीधा चले जाइएगा गया लाइन गुमटी होते हुए गौरिया मठ गर्दनीबाग होते हुए, क्योंकि ये रास्ता आप लोग के लिए जो है वो खुली तरीके से जो है खोल दिया गया है। तो गाइस आ गए हम लोग मीठापुर के ऊपर वाला पुल पे जिसका इंतजार लगभग 20 साल से लोगों का था और फाइनली आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है दोपहर में 4:30 बजे। और देखिए अभी उद्घाटन का सामान वाम जो समेटा जा रहा है और स्ट्रीट लाइटें क्या लग गई है जबरदस्त वाला और यहाँ पे बोर्ड नीतीश कुमार का सामने भाई लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए नीतीश कुमार का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। बेसिकली यही सेक्शन है, यही वाला सेक्शन वो है जिस सेक्शन का लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था। ये सेक्शन बहुत दिन से रुका हुआ था, ये वाला चीज़ नीचे इसके रेलवे लाइन है और ये सेक्शन ऑलमोस्ट 20 साल के बाद जो है बन कर रेडी हुआ है और इसका उद्घाटन आज लोगों के लिए कर दिया गया और खोल दिया गया। तो आप लोग भी आइए और आराम से जाइएगा, कंकड़बाग से सीधे से आइएगा और सीधा गर्दनीबाग होते हुए एयरपोर्ट जाइएगा। मुश्किल से 20 से 25 मिनट आपको लगने वाला है, उससे भी कम लगेगा। यारपुर जाइए, गर्दनीबाग जाइए, विधानसभा जाइए, पटना जो जाइए, हर जगह जा सकते हैं इस रास्ता से आप। ये बहुत ही सुविधा वाला रास्ता है। और अगर आप मीठापुर के साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से जाने के बाद आपको अशोक सिनेमा जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, डायरेक्ट चल जाइए। और जब ये गुमटी होता था ना तो गुमटी में मतलब कि इतना झंझट होता था, इतना झंझट कि क्या बताएं आपको। नीचे देखिए, नीचे का सीन आपको अभी दिखाएंगे, यही नीचे गुमटी है। तो अब देखिए जाम थोड़ा कम रहेगा गुमटी पे क्योंकि लोग जो है ना गुमटी से आना जाना बंद करके इस फ्लाईओवर से आएंगे, इस कारण गुमटी पे जो है वो जाम जो है वो नहीं लगने वाला है। तो गाइस आ गया मीठापुर गुमटी के ऊपर वाला सेक्शन जो कि काफ़ी दिन से बन रहा था और ये फाइनली जो है बन के रेडी हो चुका है। और नाइट व्यू लेने आए थे जो कि आपको कोई नहीं देगा, नाइट व्यू सबसे पहले हम देंगे आपको। और नाइट व्यू में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ जो फर्राटा भरने लगी है, ये रास्ता इतना आसान हो गया ना, इधर से आप सीधा जा सकते हैं एयरपोर्ट वगैरह, विधानसभा वगैरह, हर जगह। और इधर कंकड़बाग से आइए और डायरेक्ट जाइए एकदम, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत मज़ा होने वाला है। तो गाइज अब हम आपको लेके चल रहे हैं नया वाला पुल जो बना है, नया वाला फ्लाईओवर जो बना है। देखिए नाइट व्यू आपको देने वाले हैं हम आपको, बहुत ज़बरदस्त वाला। देखिए नाइट व्यू का मजा लीजिए, क्या मस्त पुल बना है एकदम बवाल और क्या सजाया हुआ है। देखिए पूरा स्ट्रीट लाइट जला हुआ है और सारे रेलिंग में जो है वो जो रिंग वाला जो होता है वो सारा चीज़ लगा हुआ है। ये भी देखिए आप, पूरा सजा दिया गया है इस रोड को, पूरा रोशनी से जगमग हो रहा है और रोड का तो बात ही नहीं है भाई, चकाचक एकदम लग रहा है। ये अभी आपको लग रहा है ब्लैक, कल परसों वाइट होने वाला है ये, और क्या मस्त लग रहा है भाई। आपको बता दें हम लोग अभी आ रहे हैं कंकड़बाग से सीधा और कहीं नहीं मुड़े हैं, कड़बैया से सीधा होते हुए आ रहे इधर। और ये फ्लाईओवर इधर जो है वो स्लोप डाउन हो जाता है तो फ्लाईओवर इधर आगे जाके नीचे गिर जाता है गौरिया मठ के पास, जो कि मीठापुर का काफ़ी फेमस इलाका है गौरिया मठ। वहाँ से फ्लाईओवर का शुरुआत होता है और सीधा आके गया लाइन गुमटी के ऊपर से जाके कड़बैया वाले सेक्शन में जाके मिला हुआ है। तो अगर आप मीठापुर के साइड से हैं, गांधी मैदान जाना चाहते हैं, तो सीधा ये वाला पुल पकड़िए नया वाला और क्रॉस कीजिए और उसके बाद
जीपीओ से ले लीजिए सीधा गांधीनगर, फटाक से चल जाने पूले पुल, मतलब आपको जाम का झंझट कहीं नहीं मिलने वाला है। जो गुमटी पे जाम का झंझट लगता था 10-10 मिनट 20-20 मिनट तक लोग खड़े रह जाते थे, वो जाम अब नहीं लगेगा। मतलब गुमटी से लोग आना जाना बंद कर देंगे, कम करेंगे, सारे लोग जो है वो फ्लाई ओवर से आना जाना करने लगेंगे। यहीं से ये वाला पुल का जो शुरुआत हुआ है, ये पुल एक्चुअली मीठापुर सब्जी मंडी क्षीर सागर कोई एक मिठाई का दुकान है, वहाँ से ये पुल का शुरुआत होता है। सामने से आ रहा है गर्दनी बाग से, गौरिया मठ से, और यहाँ से ये पुल शुरुआत होता है। अभी इस पर आपको वॉक अराउंड करके दिखाएंगे, तो अभी इस पुल पर चढ़ के आपको दिखाएंगे एक बार फिर से वहीं पर। चलो भाई, तो ये देखिए हम आपको नाइट व्यू दे रहे हैं, और उधर से आने वाले लोगों का काफ़ी भीड़ है, इधर से जाने वाले लोगों का उतना भीड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन उधर से जो आ रहे हैं ना वो काफ़ी लोग आ रहे हैं। उधर से लोग आ रहे हैं अपना डायरेक्ट इधर अपने घर की ओर चल जाएंगे, और नया नया फ्लाईओवर बनाया तो कुछ ज़्यादा लोग देखने भी आते हैं, तो वहीं से और ज़्यादा भीड़ होगा। आने वाले सेक्शन से देखिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन जाने वाले से देखिए इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। तो देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और कुछ कुछ भाई लोग ने बताया कि काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये पुल स्टार्ट हो गया तो जाम वाम का झंझट ख़त्म हो जाएगा, जो गुमटी में जाम लगता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत कुछ जो है वो इस सुविधा देने वाला है ये वाला फ्लाईओवर जो बन के रेडी हुआ है, मिठापुर सब्जी मंडी मतलब गौरिया मठ से लेके और गया लाइन गुमटी के ऊपर से होते हुए आप करबिगैया जाइए, पटना जंक्शन जाइए, गांधी मैदान जाइए, फ्रेजर रोड जाइए, बुध मार्ग जाइए, मतलब हर जगह पुल के पुल ऊपर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि पुल के नीचे जाने में आप लोगों को पता ही है कि ट्रैफिक कितना मिलता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।